देख सकते हैं अमृत उद्यान, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, चारों तरफ फूल ही फूल है, फूलों से भरा हुआ, बहुत सुंदर वातावरण है। हर एक प्रकार के फूल देखने के लिए मिल रहे हैं जो मार्केट में मिलते भी नहीं है, और टिकट ऑनलाइन फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। इस समय मैं बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ। हेलो गाइस, राष्ट्रीय भवन के ठीक सामने जैसे कि मैं इस समय आ चुकी हूँ, अमृत उद्यान, और आगे चल के पता चलेगा कि यहाँ की टिकट और समय टाइमिंग जो है सब बताती हूँ मैं आपको। इसका टाइमिंग जो है 1:30 बजे तक का भी है। ऐसे बसें लगी हुई हैं, आप अगर मेडिटेशन करते तो वहाँ पे बसें लगी हुई हैं, फ्री में लेके आते हैं। आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय भवन की तरफ, अमृत उद्यान की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। दो जगह चेकिंग हुई है, कई जगह चेकिंग हो रही है, बिना चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते। मैं इसमें प्रवेश कर चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पे फूल हैं, हर एक प्रकार के फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और ये साल में 10-15 दिन के लिए खुलता है अमृत उद्यान, जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है। और इसकी डिटेल पूरी डालूंगी मैं। और ये राष्ट्रीय भवन के अंदर है, इस समय मैं राष्ट्रीय भवन के अंदर हूँ। और जैसे कि आप मेट्रो से उतरते हैं या कहीं से भी आते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, किसी से भी, आपको मेट्रो से तो बस मिल जाएगी, फ्री में है। और टिकट ऑनलाइन बुक करानी होती है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ भीड़ बहुत हो जाती है, और सिक्योरिटी बहुत सख्त है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों में लाखों में फूल हैं, और बहुत सुंदर है, देखिए आप। जैसे आप देख सकते फूल बहुत सुंदर सुंदर है। इस समय मैं फूलों को देखते हुए म्यूजियम की तरफ जा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये सेल्फी प्रोवाइड है, यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं आप। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। इन फूलों को देखने के लिए लाखों तादादों में लोग आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अमृत उद्यान। बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भवन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। हर तरह के फूल हैं यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, देख सकते हैं अमृत उद्यान, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल। अच्छा आपको आप देख सकते हैं बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर सजी हुई है फूलों से, रंग बिरंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ फूल ही फूल है, फूलों से भरा हुआ, बहुत सुंदर वातावरण है। देखने के साथ साथ इसमें महक भी बहुत है फूलों की, सुगंधित। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय
जैसे कि आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है, सारे इधर जितने पेड़ दिख रहे हैं इस साइड के लाइन के सारे बरगद के पेड़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बोनसाई गार्डन की तरफ आ चुकी हूँ मैं और अब इसके अंदर प्रवेश करूंगी। तो आप यहाँ आते हो तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बच्चों को फैमिली को लेके आइए, घूमिए, यहाँ पे हर एक तरह के पौधे से सीखने के लिए भी मिलेगा और हर तरह के पौधे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हर पौधे के पास उसका नाम है, हर एक पौधे का एक नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं फूल हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर। आप ये सोच रहे होंगे फूलों को तुम कहीं और भी देख सकते हैं, अपने घर में गार्डन में कहीं भी लाके खरीद के लगा सकते हैं, पर आपको एक बात बता दूं, ये ऐसे फूल और पौधे हैं यहाँ जो मैं देख रही हूँ वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलते और घर में हम इसको सहज के नहीं रख सकते। इनकी खाद अलग होती है, इनका रहन सहन अलग होता है, बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय वाटर फाउंटेन की तरफ हम आ चुके हैं, फाउंटेन की तरफ, और बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ चल रहा है ये वाटर फाउंटेन, म्यूजिक के साथ। ये म्यूजिक के साथ साथ चल रहा है बिल्कुल, जैसे ऐसे लग रहा है कि एक एक जो पानी की धारा है वो नृत्य कर रही है। आप ध्यान से देखेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल से बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। हेलो हेलो बच्चों, कौन से स्कूल से आए हैं आप? एक जना बोलो। वेरी गुड, तो यहाँ तो सीखने के मिल रहा है आपको, वेरी गुड। देखिए देखिए तो यहाँ अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, और आप अकेले भी कोई भी है आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक प्रकार के फूल देखने के लिए मिल रहे हैं जो मार्केट में मिलते भी नहीं है, जिन फूल पौधों को हम संजो के रख भी नहीं सकते, इनकी केयर करनी पड़ती है। ऐसी जगह में आई हूँ, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है। और यहाँ पे जो आप पानी की जो देख सकते धाराएं जो हैं वो म्यूजिक के साथ चल रही हैं। इसका मैं टाइमिंग बता दूं आपको, सवेरे से 9 बजे से स्टार्ट होता है आना और शाम को 5 बजे तक का टाइमिंग है इसका, और टिकट ऑनलाइन फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग आ सकते हैं, और जैसे कि मैं पहले भी साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को कि जो मेट्रो से बाहर जाते हैं, मेट्रो के बाहर फ्री बस सेवाएं हैं यहाँ आने के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो आप देख सकते बहुत अच्छा है यहाँ, क्या आप देख सकते हैं राष्ट्रीय भवन संगीतमय उद्यान, मतलब संगीत का गार्डन। और हम राष्ट्रपति भवन के पीछे की तरफ हैं और हम सभी प्यारे बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ बच्चे मिल गए हैं। बहुत सुंदर थी, देखिए आप राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने हम, बिल्कुल ठीक सामने। इस समय मैं बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं राष्ट्रीय भवन के बिल्कुल ठीक पीछे हूँ, जो राष्ट्रपति का भवन का जो गार्डन है, और यहाँ देख सकते हैं आप
देख सकते हैं, रेड रोज, गुलाबी रोज, वाइट रोज, वाइट नहीं है ये, येल्लो, हल्का येल्लो जो होता है, वाइट और येल्लो जो मिक्स, और एक में तो देखेंगे आप बिल्कुल नज़दीक से तो वो उसका हल्का सा देखो अलग कलर आ रहा है, शाइनी पिंक सा और येल्लो डार्क, बहुत अच्छे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर रोज हैं, और यहाँ लिखा भी है कृपया फूल ना तोड़ें। बहुत सुंदर है। साल में एक बार ही आम जनता के लिए खुलता है, आम लोगों के लिए ये राष्ट्रपति भवन, तो हमें आना चाहिए यहाँ पर जरूर। और जो क्रेजी है फूल पत्ती, इसमें देखिए दो कलर हैं, और एक तो वाइट और रेड। प्रवेश निषेध है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते। देखिए बहुत करीब से मैं इस समय बहुत करीब से राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने हूँ। बहुत सुंदर है। हेलो गाइस, राष्ट्रीय भवन के ठीक सामने बहुत सुंदर है, और जैसा कि मैं हर बार बता रही हूँ, कोई भी अगर फूल वगैरह आप देखते हो जिसके पौधे के बारे में जानकारी लेनी हो, जगह जगह स्कैनर है, उसका नाम है पौधे का, और आप जानकारी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा वो जो लवर हैं फूल पौधों के, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो ज़रूर आए यहाँ पर, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं एक ही पेड़ में कितने प्रकार के फूल उगे हुए हैं, देखो रोज, ऑरेंज भी है, रेडिश भी है, येलो है, और इसका नाम है, मैं जब से शुरुआत की है मैंने यहाँ घूमने की, जब से मैं ब्लैक रोज ढूंढ रही हूँ और मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैं आधे से ज़्यादा आ चुकी हूँ। यदि आपको किसी भी फूल के बारे में जानना हो, पेड़ पौधों के बारे में, उसके आगे स्कैनर होता है, तो इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, ठंडक ठंडक, और बहुत धूप है यहाँ पर, गर्मी लग रही है, अच्छी खासी गर्मी है, पर मुझे बहुत राहत और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। आप देख सकते हैं हल्का पिंक रोज, जो अलग ही कलर है, इसके कलर का क्या नाम दें, और वाइट भी रोज है, और कैटरस के पौधे यहाँ बहुत है, हर एक वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे कैटरस की।
अभी तक ना ब्लैक रोज मिला ना ब्लू रोज मिला। और इस समय मैं एग्जिट की तरफ चल पड़ी हूँ।